अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब? आई होप यूर फाइन। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मूड। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि आप लोग एग्जाम सर्वर जो है, एग्जाम वेब सर्वर जो कि हम पीएचपी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास, उसको रन करने के लिए यूज़ करते हैं ये लोकल सर्वर, ठीक है। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम यूज़ कर सकते हैं, मैप कोई भी अदर्स और जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इस वीडियो में आप लोगों को एग्जाम जो है सर्वर वो बताऊंगी, वो मैं यूज़ करूंगी, ठीक है, पीएचपी की कोडिंग को जो है वो रन करने के लिए प्रोग्राम्स को। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप उसको किस तरह से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी बच्चों की सजेशन होता है कि हमारा पीसी जो है वो 64 बिट का, 32 बिट का, तो हमें कैसे उसको जो है वो करना चाहिए, ठीक है। तो मैं कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि कैसे आप कर सकते हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों को इंस्टॉल करना भी बताऊंगी। सो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब किया होगा तो यही फायदा होगा कि जितनी भी फिर इनकमिंग वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सकेगा और आप जल्दी से वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो उम्मीद है कि आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो लाइक करें और मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पीसी की जो है वो पीसी या लैपटॉप जो भी है वो 64 बिट का है या 32 बिट का है, ठीक है। तो उसके मुताबिक ही आप अपने जो है सॉफ्टवेयर इसमें किया करें, ठीक है, इंस्टॉल। तो मैं आपने क्या करना होता है, बच्चों को ये क्वेश्चनिंग फिर बाद में आती है कि मैम हमें कैसे पता चलता है कि इसको हमारा 64 बिट का, ये विंडो 10 है, 7 है वो ये, ठीक है। तो कुछ बच्चों को नहीं पता होता, जो मेरे जैसे होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमारे पीसी की जो क्या है उसमें 64 बिट या 32 बिट हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसमें आपने क्या करना, ये आपका पीसी होगा जो, ठीक है, ये पीसी जहाँ भी होगा आपका, अगर नहीं इधर है तो यहाँ सर्च बार में आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ पर जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद जो है वो आप लोगों ने के सामने सर विंडो शो हो जाएगी, तो यहाँ पे ये विंडो 10 7 भी राइट हो जाएगा और यहाँ पे लिखा भी आ जाता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 62 बिट का या 32 बिट प्रोसेसर है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ऐसे चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे आपने, ठीक है, एग्जाम आपका 64 बिट या 32 बिट का है तो आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है उसके मुताबिक, ठीक है, एग्जाम जो है फॉर 32 बिट या विंडो 10 7 मतलब जो भी है आपके पीसी का, ये 32 बिट है तो उसके मुताबिक जो है आपने यहाँ पे राइट करना है और एंटर मारना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, आप अपाची सर्वर या कोई भी आप किसी भी लिंक से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लेटेस्ट वर्जन करना चाहते हैं या कुछ भी आप जो है किसी भी जाके तो आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है वो डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये हमने किसी एक लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये हमारे सामने जो है वो एग्जाम का यहाँ पे डाउनलोड आ गया ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड में निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो आप इसको पहले जो है इस पर क्लिक करके इसको जो है डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्री डाउनलोड इसकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखो बहुत ही वो सिंपल वे में बता रहा है, उसने एरो लगा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा डाउनलोड होके, ठीक है। तो जो है ये बहुत जल्दी आपकी नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है और बहुत जल्दी छोटा सा है वो हो जाता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे इसको जो है बल्कि हो भी गया ये तो डाउनलोड। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसको जो है मैं बताती हूँ आपने इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेरा डाउनलोड ऑलरेडी हुआ हुआ था तो मैंने यहाँ पे जो है इसको ले आई हूँ डाउनलोड करके, ठीक है। उसके बाद आपने इसके इस तरह का आपके पास सेटअप होगा तो आपने इस पर जस्ट डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक पॉपअप शो होगा, यानी विंडोज शो हो जाएगी। ये देखिए मे भी आपको ये शो नहीं हो रही क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में बाद में वो देखती हूँ तो ये आपको जो मेरे सामने ये बॉक्स सा बन के आ जाए यस या नो का। कोई भी हम सॉफ्टवेयर करते हैं उसमें यस या नो की ऑप्शन आती है, ठीक है। तो मेरे सामने ये ऑप्शन आए तो आपने इस पर यस पे क्लिक करना है, ठीक है। जब तक आप यस पे क्लिक नहीं करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। आपने यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो है इसकी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और इंस्टॉलेशन भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने जैसे ही उस पर डबल क्लिक किया, ठीक है, जैसे आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का सेटअप जो है वो शो हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है।
और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये बता रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप कोई अपना डायरेक्टरी या फोल्डर कोई किसमें रखना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो है वैसे डिफॉल्ट जो होते हैं वो सी के अंदर जा रहे होते हैं हमारे सभी के सभी, तो मैं इसको नहीं करती होती, सी के अंदर ही जान देती हूँ, ठीक है। तो आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ये सी के अंदर जो है आप लोग का जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज आपने चूज करनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है मोस्टली इंग्लिश ही, ठीक है, हम चूज करते हैं। तो देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड प्रेस का भी और बाकी अदर जो फीचर है इसके वो भी ये दिखा रहा है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसकी जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना, डबल क्लिक करने के बाद तो ऑटोमेटिकली फिर इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ये आपकी जो प्रोसेसिंग है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में इसकी जो है वो इंस्टॉल ये होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट हम जो है फिनिश का एक प्रोसेस होगा, फिनिश का आएगा बटन, तो फिनिश करना है, उसके बाद ये जो है इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल के लिए हो रही है इसकी इंस्टॉलेशन, इसको हम होने देते हैं कंप्लीट, हो रही है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ टाइम लेगी, ठीक है, आप लोगों को परेशान नहीं होना। मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो इतना पार्ट काट करके जितनी इंस्टॉलेशन होगी, क्योंकि वैसे तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ये देखो ये हो रही है साथ साथ, तो वो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करती हूँ नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। बट आप थोड़ी सी वो प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसकी बाद में जो है वो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, लोडिंग वो ये सारा, तो वो हो रही है, आई थिंक 75% हो गई है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर उसके बाद इस पर फिनिश का जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि आ गया फिनिश का, तो फिनिश पे अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फिनिश पे, और इसकी जो है फिनिश करने के बाद तो ये कंप्लीट जो है इंस्टॉल इसकी हो चुकी है इंस्टॉलेशन, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाता है सॉफ्टवेयर, अगर आप करना चाहती हैं तो मैं आप लोगों को जो है वो करके भी दिखाती हूँ ओपन इसको, ठीक है, कि कैसे इसको जो है इसमें प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं। तो जब भी आपने कोई भी PHP का या कोई भी प्रोग्राम जो आपने इसमें रन करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है आप इसको ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम सर्च बार में जाते हैं, सर्च बार में आप जाएंगे तो इसको आप यहाँ पे टेक्स्ट बार के अंदर जो है वो भी आप यहाँ पे इसको पिन कर ले, ठीक है। जब भी आप फिर इसको यूज़ करें तो इजीली आप यहाँ से क्लिक करके, तो ये मैंने टेक्स्ट बार में इसको पिन कर दी है, ठीक है। तो आप जो हमें यहाँ से इसको ओपन करूँगी क्लिक करके, तो जैसे ही हमारे सामने ओपन होते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम जो है वो इसमें रन करना है उससे पहले आपके पास एग्जाम है, आप कोई भी जो है लोकल सर्वर होना चाहिए, तो देन हम PHP के इसमें जो है वो रन कर सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है। आप जो है ये सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो है आपके सामने ये ओपन होता है, तो उसमें आपने जो है वो MySQL, और जैसे कि ये ओपन हो गए हैं तो इस पर ये अपाची और MySQL पे आपने क्लिक करना होता है, ठीक है। ये जो स्टॉप लिखा हुआ है तो इस पर जो है आपने क्लिक करना होता है, इसको ये येलो हो गया, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने MySQL इन दोनों ऑप्शन पे आपने क्लिक करके तो इनको जो है वो स्टार्ट कर लेना, स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये स्टॉप स्टॉप के ऑप्शन आ जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये इस तरह की ये पॉपअप ये एक शो हुई है, इस पर आप इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। ये जब इंस्टॉलेशन हो रही है उसके दौरान भी था, तो उसमें अगर आप लोग अभी शो हो तो इसको कैंसिल कर दें, वो इसके पास यही ना एक्सेस का पूछते हैं, तो इसको जो है एक्सेस करना है तो वो कर लें, वरना कैंसिल मैंने कर दिया था, ठीक है। तो आप भी कैंसिल कर दें इसको, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब ये अगर इसी पे ही मैं बताऊं कि क्या मतलब कैसे प्रोग्राम आप इसमें रन कर सकते हैं, फिर आप सी ड्राइव डी ड्राइव जहाँ पे भी आपकी इसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं तो उसके अंदर जाकर ना आपका कोई एक फाइल होती है इसकी, जिसके अंदर हमने फाइल्स को अपने PHP को प्रोग्राम की रख कर तो फिर हमने उसको रन करवाना था, तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि आप किस तरह से इसको जो है PHP प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस वीडियो में बताया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो जो है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उस पर कैसे आप जो है वो एग्जाम या वेब सर्वर के अंदर जो है वेब सर्वर के अंदर आप अपना PHP का प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है पर अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि फिर नेक्स्ट जो मैं जो भी वीडियो बनाऊँ इससे रिलेटेड तो वो आपको जल्दी मिल सके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।